सिरसा से सांसद सुनीता दुग्गल ने भी अभय सिंह चौटाला पर जवाबी हमला बोलते हुए कहा कि बीजेपी की जमानत जब्त नहीं होगी बल्कि इनेलो की जमानत जब्त होगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी की जीत होगी। रुझान है, आप देख ही रहे हैं, लोगों के अंदर बहुत अच्छा जोश है, हमें जो है वो उस पर बिठा कर लेकर आए हैं और चारों तरफ लोगों के अंदर बहुत अच्छा रुझान है। मुझे पूरी उम्मीद है, लोग चाहते हैं कि अब की बार विकास हो, तो इसलिए जो कैंडिडेट है हमारा भारतीय जनता पार्टी का और जेजेपी का, वो अब की बार यहाँ से जीत दर्ज करेगा, क्योंकि सिर्फ 3 साल की बात है, लोग चाहते हैं कि विकास हो। मुझे लगता है कि शायद वो अब की बार कुछ उल्टा होने वाला है, जमान शायद मुझे लगता है कि आई रहने वालों की जब्त होने वाली है। फिलहाल अभी तक ना तो तीनों कृषि कानून रद्द हुए हैं, ना ही किसानों का आंदोलन खत्म हुआ है, तो किस आधार से वे चुनाव लड़ रहे हैं? किसान भी ज्यादा से ज्यादा बीजेपी को वोट देंगे क्योंकि बीजेपी ने किसानों के हित के लिए कई योजनाएं लागू की हैं। उन्होंने कहा कि इलाहाबाद उपचुनाव में कांग्रेस की स्थिति कमजोर दिखाई दे रही है। कांग्रेस का वातावरण है नहीं, कांग्रेस का जो हम देख रहे हैं चुनाव में जिस प्रकार का कोई उठा उस प्रकार का दिख नहीं। मतदाता ये देखता है कि काम किसने किया, लोग विकास चाहते हैं, लोगों को कानूनों के बारे में भी समझ में आ गया है कि ये कानून किसानों के हक में है। जो सुधारों की बात किसान संगठनों ने कही वो सरकार ने स्वीकार कर ली थी, इसलिए आंदोलन अब केवल राजनीतिक रह गया है, किसानों के मुद्दे पर नहीं। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि हलके की जनता ने उनका जोरदार स्वागत किया, जिसकी बदौलत हलके में बीजेपी जेजेपी उम्मीदवार गोविंद कांडा भारी मतों से जीत हासिल करेंगे। धनखड़ ने इनेलो उम्मीदवार अभय सिंह चौटाला पर पलटवार करते हुए कहा कि चौटाला ने कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के समर्थन में इस्तीफा देने का दावा किया था। सिरसा से सतनाम सिंह की रिपोर्ट।